तो वेलकम बैक। आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसकी स्टेटमेंट आपके सामने है, लिखा हुआ है फॉर ईच ऑर्नामेंट दैट अ वर्कर मेक्स ही इज़ पेड $1.15। तो एक वर्कर है जो कि ऑर्नामेंट बनाता है। ऑर्नामेंट का मतलब आप लोग जानते ही हैं, ऐसी चीज़ जो ब्यूटिफिकेशन में इजाफा करती है, खूबसूरती में इजाफा करती है, जैसे ज्वेलरी या कोई भी ऐसी चीज़, उसको हम ऑर्नामेंट बोलते हैं। तो ऑर्नामेंट जो है एक वर्कर बना रहा है, और उसको उस ऑर्नामेंट बनाने के जो पैसे मिलते हैं वो भी यहाँ पे लिखे हैं, वो वैल्यू है $1.15। और ईच का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो ईच का मतलब है एक ऑर्नामेंट के उसके जो जितने पैसे दिए जाते हैं वो है $1.15। ही मेक्स 4 ऑर्नामेंट्स एवरी 15 मिनट्स। तो वो जो वर्कर है वो 4 ऑर्नामेंट बनाता है, 4 ऑर्नामेंट बनाता है हर 15 मिनट में, यानी 15 मिनट में 4 ऑर्नामेंट बनाता है, ये उसका रेट गिवन है। फाइंड द अमाउंट अर्न्ड बाय द वर्कर इफ़ ही वर्क्स फॉर 3 आवर्स। तो हमने वो अमाउंट फाइंड करके दिखानी है कि अगर वो वर्कर 4 ऑर्नामेंट्स बना सकता है 15 मिनट्स में, तो अगर वो 3 घंटे काम करता है, इफ़ ही वर्क फॉर 3 आवर, अगर वो 3 घंटे काम करता है तो बताएं कितनी अमाउंट उसको मिलेगी, कितने पैसे उसको मिलेंगे। तो हमें पता है कि वो जो वर्कर, जो उसकी कैपेसिटी है वो ये है, जो उसका रेट है वो ये है कि 4 ऑर्नामेंट्स 15 मिनट में बना सकता है। तो 3 घंटों में वो पहले कितने ऑर्नामेंट बना सकता है, हमें ये निकालना पड़ेगा। जब हमें पता चल जाएगा कि वो 3 घंटों में कितने ऑर्नामेंट्स उसने बनाए हैं, तो हमें एक की कॉस्ट पता है कि एक ऑर्नामेंट पे इतने पैसे दिए जा रहे हैं, तो जितने ऑर्नामेंट्स वो बनाए होंगे उसने 3 घंटों में, उसको इस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा कि उसको कितने पैसे मिलने वाले हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वर्कर्स का रेट लिख देता हूँ कि जो वर्कर का रेट है वो क्या है। वो है 4 ऑर्नामेंट्स इन 15 मिनट्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 ऑर्नामेंट्स इन 15 मिनट्स, ठीक है। और ये भी हमें पता है कि उसको एक ऑर्नामेंट पे कितने पैसे दिए जा रहे हैं, एक ऑर्नामेंट में बनाने में कितने पैसे दिए जा रहे हैं, वो भी यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ही इज़ पेड $1.15 फॉर 1 ऑर्नामेंट। ईच का मतलब है एक ऑर्नामेंट, तो उसको जो पैसे दिए गए हैं एक ऑर्नामेंट बनाने के लिए वो है $1.15। तो हमने क्या बताना है, हमने बताना है कि उसको कितने पैसे मिलेंगे, अमाउंट कितनी मिलेगी 3 घंटों में काम करने की। तो ये भी हमें फाइंड करके दिखानी है, अमाउंट ही विल बी पेड फॉर 3 आवर्स। तो हमने ये बताना है कि 3 घंटे अगर वो काम करे उसको कितने डॉलर्स मिलने वाले हैं, वो कितने पैसे कमा लेगा। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पे 3 आवर्स का डाटा है और यहाँ पे मिनट्स में डाटा है, ठीक है। यानी जो यूनिट्स हैं ये रिजेंबल नहीं कर रहे, यहाँ पे घंटे हैं और यहाँ पे मिनट्स हैं। तो आपको इन दोनों को सेम बना लेना चाहिए ताकि आपकी आसानी हो जाए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, पहली बात। तो दूसरी बात, हमने सबसे पहले तो ये निकालना है कि 3 घंटों में वो कितने ऑर्नामेंट्स बनाएगा, क्योंकि जब तक हमें ये ही नहीं पता चलेगा वो कितने ऑर्नामेंट्स बनाएगा, हम उसकी जो उसको कितने पैसे मिलने वाले हैं, कितनी अमाउंट मिलने वाली है, वो नहीं निकाल सकते। तो एक बात तो क्लियर है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी 1 आवर जो होता है वो 60 मिनट्स के इक्वल होता है। तो 3 आवर्स कितने मिनट्स के इक्वल आएगा, ये सिंपल है कि आप 3 को 60 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटों में 3 क्रॉस 60 हो जाएंगे। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 180 मिनट्स। और ये किसका आंसर आया है, ये आंसर आया है 3 आवर्स का, ठीक है। तो इसका मतलब है आपने जो डाटा फाइंड आउट करना है, जो आपने इसको मैनिपुलेट करना है इस डाटा को, वो 15 मिनट्स की जगह पे क्या होना चाहिए, 180 मिनट्स। जब यहाँ 15 की जगह पे 180 होगा तभी आपको पता चल सकेगा कि 180 मिनट्स में वो कितने ऑर्नामेंट्स बना रहा है। तो मैं इसी डाटा को जो कि ऊपर लिखा हुआ है, मैं दोबारा से यहाँ पे लिखने लगा हूँ और सॉल्व करने लगा हूँ। तो ये है 4 ऑर्नामेंट्स इन 15 मिनट्स, 15 मिनट्स, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 15 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 180। 180 का मीनिंग है 3 आवर्स। तो मुझे यहाँ पे 15 नहीं चाहिए, 180 चाहिए। तो इस 15 की जगह पे 180 लाने का एक तरीका है, पहले मैं इस 15 को यहाँ से रिमूव करता हूँ। ये मैं बता चुका हूँ कि आपने बस इसको ऐसे सोचना है कि 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको जब वहाँ
तो मेरे पास फोर ऑर्नामेंट्स का जो रेट है वो गिवन है 15 मिनट्स, और मैं बता चुका हूँ मुझे 15 मिनट्स की जगह पे चाहिए 180 मिनट्स, क्योंकि मुझे पता है कि जो थ्री ऑर्ड्स हैं जिसमें वो वर्कर काम कर रहा है वो बेसिकली इक्वल होते हैं 180 मिनट्स के। तो मुझे यहाँ पे 180 बनाना है, तो 180 बनाने का मैं बता ही चुका हूँ, आपने 15 को यहाँ से रिमूव करना है और इसकी जगह पे लिखना है 180। तो आप इसको ऐसे कंसिडर कर लें कि 15 ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो जब इसको उस साइड पे मूव करूँगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ ऐसे बन जाएगी, ये बन जाएगी 4/15, और यहाँ पे रहेगा ऑर्नामेंट वैसे का वैसे ही हम लिख लेते हैं, और यहाँ पे 15 नहीं बचेगा तो इसकी जगह पे जब कुछ नहीं बचेगा तो हम लिख सकते हैं 1 मिनट। लेकिन अभी भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 मिनट की जगह पे चाहिए 180 मिनट्स। तो 180 बनाने का एक ही वे है यहाँ पे, क्योंकि ये इक्वेशन है कि आप दोनों साइड पे इक्वेशन के 180 से क्या करवा दें मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पे भी 180 से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, और मैं यहाँ पे भी 180 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। ठीक है, तो इसको आपने जस्ट कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। तो कैलकुलेटर में जब आप लिखेंगे 180 मल्टीप्लाई बाय 4 और डिवाइडेड बाय 15, तो आपको आंसर मिलने वाला है 48, यानी 48 ऑर्नामेंट्स वो बना सकता है कितने मिनट्स में, 1 × 180 का मतलब है 180 मिनट्स में। तो इसका मतलब है 48 ऑर्नामेंट्स बन रहे हैं 180 मिनट्स के अंदर। तो हमें पता चल गया वो कितने ऑर्नामेंट्स बना रहा है, 180 मिनट का मतलब है 3 घंटों में। तो जब हमें पता चल चुका है कि 3 घंटों में वो इतने ऑर्नामेंट्स बना रहा है, तो अब हमें ये निकालना मुश्किल नहीं है कि इतने ऑर्नामेंट्स के उसको कितने पैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि एक ऑर्नामेंट के उसको लिखा हुआ है $1.15 मिलेंगे। तो इतने ऑर्नामेंट्स को कितने पैसे मिलेंगे ये निकालना बहुत आसान है। तो इसको यहाँ पे अलग से फाइंड आउट कर लेते हैं हम। तो 3 घंटों में या 180 मिनट्स में उसने जो ऑर्नामेंट्स बनाए हैं वो हैं 48, और एक ऑर्नामेंट की जो कॉस्ट है जो उसको पे की जाती है वो है $1.15। तो कितनी अमाउंट उसको दी जाएगी 3 घंटों में काम करने के लिए, तो 3 घंटों में उसने बनाए हैं 48 ऑर्नामेंट्स, तो टोटल बनाए उसने 48 ऑर्नामेंट्स, और एक ऑर्नामेंट की जो उसको कीमत दी जाती है वो है 1.15। तो इतने ऑर्नामेंट की कितनी दी जाएगी आपको, तो 48 को मल्टीप्लाई जैसे सबने कर देना है 1.15 से। तो अगर एक ऑर्नामेंट की कॉस्ट इतनी है तो 48 की कितनी होगी, हमने 1.15 को 48 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई। तो आप इसको कैलकुलेटर में टाइप करें और देखें इसका आंसर आएगा आपके पास 55.2। तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 55.2 डॉलर्स। तो ये जो हमारे पास आंसर आया है बेसिकली ये वो अमाउंट आई है जो 3 घंटों में काम करने के बाद उसको मिलेगी। तो यही इसका आंसर है कि 3 घंटों में जो पैसे वो कमा पाएगा वो वर्कर, तो वो बना पाएगा 55.2 डॉलर।